और याद करके आओ तो आके इसी में बैठ जाना। समझ में आया? खुद सोचो ना, उससे कोई फायदा नहीं। और पीरियडिक टेबल पढ़ के आए हो, शाम को रिवीजन है ना पीरियडिक टेबल का। इसको कर्टन बंद करना क्या उस साइड से उसको? हाँ, वो बंद करो पूरा, उधर उस साइड से वो वाला कर्टन को खींचो ना। हाँ, कल लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे ध्यान दो, फिर से बता रहे हैं। ठीक है, क्या था तुम्हारा? CH3, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग था। ठीक है, क्या बोला गया था, क्या निकालने? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या निकालना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये ए था, बी में क्या था तुम्हारा? CH3। ठीक है, ये था और यहाँ क्या था? NO2। ठीक है, सी में तुम्हारा क्या था? CH3। ये बेंजीन रिंग, यहाँ क्या था? पैरा मेटा पोजिशन पे NO2। और उसके बाद तुम्हारा क्या था डी में? ये रहा CH3, ये बेंजीन रिंग और यहाँ क्या था? NO2। यही था ना। फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या बोले थे? रिमूव एच प्लस आयन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यही था ना, रिमूव एच प्लस आयन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इज दैट क्लियर? तो यदि हम लोग यहाँ से इसका एच प्लस हटाते हैं तो क्या बचेगा तुम्हारा? CH2 निगेटिव। ये भी क्या बचेगा? CH2 निगेटिव। ये क्या बचेगा? CH2 निगेटिव। ठीक है, ये भी क्या बचेगा? CH2 निगेटिव ये बचेगा। अब माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस एम माइनस आई, ऐसे बोलो। कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस एम एंड माइनस आई। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे इसमें कोई है क्या, कोई ग्रुप जो है इसमें कोई है क्या, कोई ग्रुप जो माइनस एम माइनस आई दे रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है, केवल बेंजीन है जो कि रेजोनेंस में उस नेगेटिव चार्ज को ले जाएगा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। बट वो चीज सब में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में है, डी में भी है, कॉमन चीज है, कॉमन फेनोमेना है। ठीक है, बट यदि हम बी में देखें, सी में देखें, डी में, तो क्या मेरा प्रेजेंट है? NO2। क्या प्रेजेंट है? NO2। ठीक है, अब NO2 जो प्रेजेंट है वो क्या शो करता है? NO2 बताओ, माइनस एम एंड माइनस आई, ये दोनों बोलो, माइनस एम और माइनस आई दोनों देता है। कहां पे? ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। और यहां मेटा पे है, तो मेटा पे ये क्या शो करेगा? माइनस आई। मेटा पे मेजोमेरिक नहीं होता है और मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेजोमेरिक ऑर्थो और पैरा पे ही होगा। ठीक है, मेटा पे नहीं होता है, लेकिन इंडक्टिव सब जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? ऑर्थो पे, बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस आई। और ये तुम्हारा क्या शो करने वाला यहाँ पे? माइनस एम एंड माइनस आई। समझ में आ रहा? ये शो करने वाला। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो मेजोमेरिक सबसे लास्ट में तुम्हारा कौन हो जाएगा? ए। सबसे लास्ट में तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ए। अब तुम्हारा देखो, उसके बाद यदि हम देखें तो कौन सा होगा? सी, क्योंकि सी में केवल और केवल माइनस आई है, केवल और केवल क्या है? माइनस आई। तो उसके बाद कौन हो जाएगा तुम्हारा? सी। ठीक है, और क्या बचता है? बी। और तुम्हारा क्या बचता है? डी। ठीक है, तो मेजोमेरिक देखो दोनों में है और दोनों में सेम ग्रुप का मेजोमेरिक है, NO2 का, NO2 का। डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा है कि हम कहेंगे इसका मेजोमेरिक ज्यादा होता है ऑर्डर में, ये पहले आता है, और इसका मेजोमेरिक कम होता है तो ये ऑर्डर में बाद में आता है। मतलब इस तरीके से हम नहीं बात कर सकते हैं, बिकॉज NO2 मतलब सेम ग्रुप बैठा हुआ। बात समझ में आया? तो हम क्या फिर देखेंगे कि ये मेजोमेरिक, ये वाला मेजोमेरिक और ये वाला मेजोमेरिक दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि पहले ही बताए हैं मेजोमेरिक क्या होता है, बराबर होता है, चाहे वो ऑर्थो पोजिशन पे हो, चाहे वो किस पे हो? पैरा पे हो। बात समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस फिर कहां से आएगा? इंडक्टिव से। ठीक है, किसका इंडक्टिव तुम्हारा ज्यादा होगा? इस वाले का। क्यों? क्योंकि ये नजदीक है। समझ में आया? तो ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? बी। ठीक है, ये होगा बी और उसके बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन कर बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं OH, सेम क्वेश्चन है, बस OH हम फेनॉल ले ले रहे हैं। ए में एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकालना है, ध्यान में रखना।
एसिडिक स्ट्रेंथ ही निकालना है। ये आ गया तुम्हारा NO2, ठीक है, ये B आ गया, ये C में आ जाएगा OH, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा NO2 यहाँ इस बार, और D में आ गया तुम्हारा OH, और ये रहा तुम्हारा NO2। देखो जी, चलो बताओ आंसर, आंसर बताओ। बोलो बोलो जी, क्या करेंगे? रिमूव H प्लस आयन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो ये यहां से हटेगा, ठीक है, निगेटिव यहां आएगा, यहां भी निगेटिव आएगा, यहां भी निगेटिव आएगा, और यहां भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो NO2 सब, अब क्या पोजीशन इसी टाइप का आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए था? बी, और बी के बाद डी, डी के बाद सी, और सी के बाद ए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है, ध्यान में रखना। यहाँ पे ओ एच, क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा? एच था ना, क्वेश्चन में क्या था? एच था। बेसिकली ये क्या था तुम्हारा? ये वाला देखो, बी वाला, बी वाला यदि हम बात करेंगे तो ओ एच ये ऐसा था, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग था, और ये क्या था? एन डबल बॉन्ड ओ, और ये तुम्हारा ओ, ऐसा है ना, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? ये एच, ये है ना। अब बगल पोजीशन पे एडजेसेंट वाले पे तुम्हारा आ गया ओ, और यहाँ पे भी क्या तुम्हारा अवेलेबल है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, अंडरस्टूड? कौन सा बॉन्ड बनता है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, एच बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या बोलेंगे? इंट्रा मोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि बन रहा है तो बताओ एच आसानी से निकलेगा क्या? तब एच आसानी से नहीं निकलेगा, और तब एच आसानी से नहीं निकलेगा तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? डी। पहले इसमें और इसमें कंपेरिजन कर रहे थे तो कौन बाहर, कौन ज्यादा हो रहा था? बी, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को चिलेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेशन, ठीक है, याद नाम रखना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? चिलेशन। तो ड्यू टू चिलेशन और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एच जो है आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसके कारण जो ऑर्डर हो जाता है वो ऑर्डर तुम्हारा इस प्रकार से होगा, सबसे पहले फिर हो जाएगा तुम्हारा डी, और डी के बाद फिर होता है बी, बी के बाद सी, और सी के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए, ध्यान में रखना, ये होता है, ठीक है। देख लो, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है तुम्हारा? क्या बताएं, कल ही बताया है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव तुम्हारा कौन होता है? रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस कह लो या मेजोमेरिक कह लो, दोनों सेम ही चीज है, थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो बताए हैं, रेजोनेंस। उसके बाद आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा? इंडक्टिव, ठीक है। लेकिन हम ये भी कहे थे कि कोई कोई वैसा भी केस देखने को मिलता है, बहुत कम है, रेयर है, जहां पे यदि तीनों अवेलेबल है तो हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे? रेजोनेंस को। उसके बाद किसको देंगे प्रेफरेंस? हाइपर को। देन उसके बाद किसको देंगे हम लोग प्रेफरेंस? बोलो इंडक्टिव को, इज दैट क्लियर? लेकिन कभी कभी वैसा भी देखा, मतलब उस आधार पे हम लोग उसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, उस आधार पे हम लोग उसका स्टेबिलिटी ऑफ एनायन निकालेंगे। लेकिन कोई कोई केस वैसा भी देखा गया है जहां पे हाइपर और इंडक्टिव दोनों मिल करके रेजोनेंस को बीट कर देता है। बात समझ में आया? क्लियर है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब लिखो ये वाला पूरा, ऊपर वाला नोट करो, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ध्यान देना जरा सा। तो ये देखो PH3C+ ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन, याद है वो तीन बेंजीन जो बनाए थे,
याद आ रहा है? ठीक है, ऑर्डर ये होता है, देन उसके बाद होता है PH2CH पॉजिटिव, देन उसके बाद होता है CH3 का होल 3 सी पे कार्बोकोडाइन, ये देन उसके बाद होता है तुम्हारा PH CH2 पॉजिटिव, ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारा होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, देन उसके बाद होता है तुम्हारा CH3 का होल 2, ठीक है, CH कार्बोकोडाइन, और देन उसके बाद तुम्हारा होता है CH3 CH2 कार्बोकोडाइन। समझना, अब देखो सब में क्या है भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है PH3C में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, याद है? ट्राई फेनाइल कार्बोकोडाइन, नाम क्या है इसका? ट्राई फेनाइल कार्बोकोडाइन। कितने RS बन रहे थे इसके, बोलो जी? अरे 10, 9 रिंग के अंदर में और एक कार्बन पे, याद आया? और एक बेंजीन रिंग का 3 बन रहा था, तो टोटल RS इसके कितने आ रहे थे, कितना RS आ रहा था? 10। RS कितना आ रहे थे? 10। और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। क्योंकि सिंपल सा सोचो कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या है, उसका दुख है, तो जितना जगह उसको घुमाए हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी रेजोनेंस से। बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा? 7। दो रिंग पे 3 दुना 6 और एक बाहर, कितना हो गया? 7। RS इज इक्वल टू 7 इसका। अब तो यहां तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे रेजोनेंस है, तो इसका कितना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ? RS बराबर होता है 4। अब देखो जरा सा ये वाला केस ध्यान से। अच्छा रेड कलर से लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, सुनाई तो दे रहा है ना, सुनाई दे रहा, बस और क्या। ये है तुम्हारा ट्राई फेनाइल कार्बोकोडाइन, ट्राई फेनाइल कार्बोकोडाइन, जा ट्राई फेनाइल कार्बो, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों में यहाँ रेजोनेंस है लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रिफरेंस किसको दिए हैं रेजोनेंस को, तो होना पहले कौन सा चाहिए था? PHCH2 पहले आना चाहिए था, समझ में आ रहा? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, समझो जरा सा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला यदि हम देखेंगे तो सी पे कार्बोकोडाइन, ये आ रहा तुम्हारा CH3, ये आ रहा तुम्हारे पास CH3 और ये आ रहा तुम्हारे पास CH3, इज दैट क्लियर? एक ये है तुम्हारा और एक तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा फेनाइल, ठीक है, ये और ये तुम्हारा CH2 पॉजिटिव, ये है। तो इस वाले में बताओ क्या है, केवल इस वाले कंपाउंड में केवल और केवल रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये कंपाउंड है, अंडरस्टूड? लेकिन यदि इस वाले का बात करें तो बताओ अल्फा ये हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर? और सब जगह अपना क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है क्या, और मैक्सिमम प्लस आई शो कर रहा है, इससे ज्यादा किसी का प्लस आई हो सकता है क्या? तीनों तरफ CH3 CH3 CH3, अरे ज्यादा ज्यादा तीन तरफ लगेगा ना, चौथे तरफ लगाओगे तो कार्बोकोडाइन खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम अपना CH3, मतलब इंडक्टिव भी यहां नजर आ रहा है CH3 का, और मैक्सिमम अपना अल्फा हाइड्रोजन भी दिखा रहा है कार्बोकोडाइन पे। एक कार्बोकोडाइन पे मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 9। यानी दोनों जो है, यानी यहां पे तुम्हारा क्या नजर आ रहा है, यहां पे तुम्हारा नजर आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कैसा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला, और प्लस क्या नजर आ रहा, इंडक्टिव 3 है CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप है, और ये दोनों कंबाइन इफेक्ट लग करके इसको बीट कर देता है, समझ में आया? ये रीजन। अब अगला देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एलाइलिक कैटायन है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है, याद है? हाँ, एलाइल कार्बोकैटायन है, ठीक। तो ये बताओ यहां पे क्या नजर आ रहा है, ये रेजोनेंस,
रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, बोलो जी, है ना, डबल सिंगल डबल। यहां पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव। अरे ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, दो ठो CH3 आएगा। आ रहा बात समझ में, कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन और साथ ही साथ क्या है, इंडक्टिव। और यहां पे क्या होगा, हाइपर में कितने आ रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या है, इंडक्टिव। तो ये रहा स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, याद रखना ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो हमेशा याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, चलो जी बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो जी बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सब दिमाग लगाना है, तीनों ध्यान में रखना है, सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में सोचना है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और देन इंडक्टिव, ठीक है। चलो पहला बताओ क्या होगा ऑर्डर, कौन सा होगा, बी, बी के बाद क्या होगा, ए, ए के बाद क्या होगा, सी, ये ऑर्डर होगा। और किस में कोई चेंजेस लाना है क्या, करेक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि बी जो है तुम्हारा, बी जो है वो तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस है, और साथ ही साथ इसमें क्या है बताओ, और कुछ मिलेगा क्या, रेजोनेंस के साथ यहां बगल में 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है। सबको ध्यान में रखो, एक एक चीज समझ में आया,
क्या है यहाँ बगल में, अल्फा हाइड्रोजन भी है और इस वाला कार्बन का इंडक्टिव भी लगेगा, तीनों चीज है, लेकिन इसको साबित करने के लिए केवल दो चीज सफिशियंट है, दो अल्फा हाइड्रोजन, ये ध्यान में रखना हमेशा, इसीलिए क्योंकि आगे तुमको सब में वो यूज है, ठीक है। और प्लस क्या है, टू अल्फा हाइड्रोजन, टू अल्फा हाइड्रोजन लिख देते हैं, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अंडरस्टूड है ना, ठीक। चलो इसमें आ गया, ए में बताओ क्या आएगा जी तुम्हारा, बताओ ए में क्या आएगा, कितना आएगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन, सेवन आएगा, ठीक है। यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जाएंगे, सेवन अल्फा हाइड्रोजन। और सी में बताओ क्या आएगा तुम्हारा, फोर अल्फा हाइड्रोजन, अंडरस्टूड, टू अल्फा हाइड्रोजन और टू अल्फा हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर। यहां से और एक चीज तुमको समरी नजर आता है, जरा सा यदि तुम ध्यान दोगे तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, कौन सा डिग्री, क्या ये थ्री डिग्री कार्बोकैटायन है, अंडरस्टूड, ये कौन सा डिग्री है, टू डिग्री है, ठीक है, और ये भी कौन सा है, टू डिग्री कार्बोकैटायन, अंडरस्टूड। तो ध्यान में रखना कि थ्री डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द टू डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द वन डिग्री कार्बोकैटायन, अंडरस्टूड, क्योंकि थ्री डिग्री वाले के पास ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टू डिग्री, एज कम्पेयर टू वन डिग्री। तो कार्बोकैटायन देखो तो डायरेक्ट तुम क्या देख लो, अल्फा हाइड्रोजन जोड़ने से अच्छा है डिग्री देख लो सबसे पहले, समझ में आया, एक यहां से ये भी नजर आता है। चलो अब सेकंड का बताओ, बोलो, ये पीएच प्लस है तुम्हारा, तो पीएच प्लस का मान ये क्या हो गया तुम्हारा, कुछ इस तरीके से है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना। चलो तो बताओ क्या करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाएगा, सी, ठीक है, सी कैसे, पॉजिटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इसका नहीं है, चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर, क्या प्लेनर है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, कितने सिग्मा बॉन्ड है, दो, लोन पेयर है क्या, नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी, अंडरस्टूड, और एसपी हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा हो गया, लीनियर, तो ऐसा में ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा क्या, ऐसा ऐसा बेंजीन एग्जिस्ट करेगा क्या, इसका मतलब वो हाईली अनस्टेबल है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहेगा, ऐसा रहने, लेकिन जबरदस्ती ये ऐसे है, इसका मतलब वो हाईली अनस्टेबल है और ये पॉजिटिव रेजोनेंस में नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, अंडरस्टूड, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, और क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, उसका रीजन ये है, तो इसका मतलब ये हाईली क्या है, अनस्टेबल, और ये कंपाउंड यदि हम बात करें तो हाईली अनस्टेबल होगा। अब ये बताओ, इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है ना, एसपी है, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल है ना। अब इन दोनों में बात करें तो कौन ज्यादा होगा, सोचो जरा सा, ज्यादा अनस्टेबल कौन, डी या फिर सी, कैसे सी, सुनो यहां पे क्या है, मारेंगे एक थप्पड़ भी समझ में आ जाएगा, इट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस आई शो करता है, क्या शो करता है, माइनस आई, और माइनस आई क्या करेगा, और अनस्टेबलाइज, अंडरस्टूड,
ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन सी, सी का सबसे कम होगा, अनस्टेबिलिटी इसकी अथा अनस्टेबिलिटी होगी। समझ में आया, तो देख लो माइनस आई भी बता दिए हैं, और माइनस आई अनस्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, अब इधर आ जाओ, इन दोनों में तो क्लियर हो गया, सी इज ग्रेटर देन डी, इन दोनों में आओ तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कौन सा होगा, बी ग्रेटर देन सी, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, एक है भाई, बगल वाला कार्बन को पकड़ो, वन अल्फा हाइड्रोजन है ना, केवल एक ही है, लेकिन डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा है, तो आंसर बताओ क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर बताओ क्या होगा, बी, बी के बाद ए, ए के बाद तुम्हारा डी, और डी के बाद सी। अब इस तरीके से अब इसका जब बारी आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, इसका जब बारी आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम एक बार दे चुके हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, बार बार एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, एक बार दे दिए ना, इन दोनों का क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, छापो इसका, आ जाओ यहां पे, सब में नीचे क्या है, कार्बन लगा हुआ है, क्या देखोगे, इंडक्टिव या हाइपर, हाइपर, इंडक्टिव नहीं क्योंकि पैरा पे है। समझ में आया, वैसे भी चौथे कार्बन के बाद इंडक्टिव संपला। समझ में आया, कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसका, बोलो, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका कितना अल्फा हाइड्रोजन है, दो, इसका तीन दो पांच मत कर देना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये है ना, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, अरे देख लो भाई, ये देखो तो इसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये है, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, समझ में आया, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, तीन, यहाँ पे कितना हुआ, दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हुआ, एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हुआ, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी बताओ, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। समझ में आ रहा है बात, खोपड़ी खोलना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस कि पूरा एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, समझे, नहीं तो तुम सोचोगे कोई इफेक्ट और आगे निकल जाएगा कोई इफेक्ट, तुमको बस ध्यान में रखना, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सतर्क रहना, ठीक है, नहीं तो रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन, हाइपर का अल्फा और इंडक्टिव का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मात दे सकता है, समझे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है,
चलो जी बताओ ऊपर से, फोर्थ वन आंसर क्या होगा? सी बी ए डी, समझ में आ रहा है? ये क्या शो करने वाले हैं? प्लस आई। अरे बाबा हाइपर, पैरापे इंडक्टिव के बारे में मत सोचो। यदि हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करवाओ, और हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा? अरे ये बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वाइब्रेशन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है एज कंपेयर टू सी डी एंड सी टी। तो सोचो जरा सा फिर ऑर्डर क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या करते हैं, जितना जल्दी बॉन्ड टूटे उतना बढ़िया है। अरे तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना रे बाबा, H प्लस टूट के बाहर निकलता था तो अभी यहां पे कौन है? D है और उसके बाद क्या है? T है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ध्यान में रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में ठीक है क्या ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा? CH3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CT3, क्योंकि इन दोनों के बीच के बॉन्ड में क्या पाया जाता है? बोलो ना भाई, वाइब्रेशन होता है। तो पहले कौन टूटेगा? हाइड्रोजन वाला। अब पहले वो टूटेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले किस में होगा? CH3 में। अब बताओ आंसर क्या होगा? समझ में आया? इसमें हम लोग क्या देखेंगे? प्लस एच, ठीक है प्लस एच, समझ में आया? और ये देखो यहां पे बताया हुआ है सब, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। चलो इसमें बताओ, बोलो, इंपॉर्टेंट है, बोलो। डी सी बी ए क्यू? यस, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे शो करेगा? केवल ऑर्थो एंड पैरा पे। यहां हम लोग क्या इसका लेंगे? इंडक्टिव प्लस आई, ये क्या लेंगे? प्लस आई। ये क्या लेंगे? प्लस आई। और प्लस आई का तो ऑर्डर पता है ना, पहले किसका होता है? सी टी थ्री प्लस आई में। सी टी थ्री इज ग्रेटर देन सी डी थ्री इज ग्रेटर देन तुम्हारा क्या होगा? सी एच थ्री। ठीक है क्लियर? ये बताओ OH जो है, ग्रुप जो जो प्रेजेंट है, OH क्या शो करेगा? प्लस। नेट क्या है इसका? प्लस M। नेट क्या है? प्लस M। ठीक है, तो यहां ये क्या शो कर रहा है? प्लस M, बहुत अच्छी बात है। OR क्या शो करेगा? प्लस M, बहुत अच्छी बात है। CH3 क्या शो करेगा? प्लस H। अरे I भूल जाओ यहां पे, पैरा पे जब H है तो I पर, ठीक है। इसका क्या शो करेगा? F का माइनस I। तो अब बताओ, ये तो प्लस एच, तो सबसे पहले किसको जाएंगे? मेसोमेरिक। अब OH और OR में पहले कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है? OH। ऑर्डर याद रहेगा तब होगा ना, बिना ऑर्डर का होगा नहीं होगा। तो आंसर बताओ क्या होगा इसका? बोलो आंसर इसका क्या होगा? ए बी सी डी। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर तो लिख लोगे ना? ए बी सी डी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकोटाइन पे ही जा रहे हैं।
चलो जी बताओ आंसर, आंसर बताओ। ये क्या शो करेगा? माइनस एम और साथ ही साथ माइनस आई। ये क्या शो करेगा? माइनस एंड एन माइनस आई। ये क्या शो करेगा? माइनस आई। समझ में आ रहा है? आंसर बोलो। बी सी डी ए होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, सब सब याद रखना है, बिना याद रखे होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? PH3C-, क्यों? 10 RS बनेगा। ठीक है, 10 RS। ठीक, उसके बाद PH2CH-, कितने RS? 7 RS। ठीक है, देन उसके बाद हो जाएगा PH CH2-, कितने RS? 4 RS। अब यहाँ पे वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो CH3 जो था वो कार्बोकैटायन के साथ क्या शो कर रहा था? हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो यदि हम इस बार CH3 वाले को पहले लेंगे ना तीनों, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस बार। समझ में आया? लेकिन रेजोनेंस तो पॉजिटिव को भी स्टेबल करेगा और नेगेटिव को भी स्टेबल करेगा। ये हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, एलाइल कार्बन आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस वाला सबसे पहले, देन उसके बाद CH3 नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? CH3 और ये CH2 नेगेटिव, एक तरफ से इसको प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे CH3, ठीक है, CH नेगेटिव, सॉरी CH2 CH3 CH2, ये देखो ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? CH3 CH नेगेटिव, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, और देन उसके बाद सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा? ये नेगेटिव, ये CH3 और ये CH3। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन भी है और इंडक्टिव भी है, तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा अनस्टेबल, पॉजिटिव में स्टेबल लेकिन नेगेटिव में अनस्टेबल। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, चलो जी। रेजोनेंस तीनों में है, रेजोनेंस है ना? अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, यानी इसमें केवल और केवल क्या है तुम्हारा? रेजोनेंस, रेजो, केवल क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज। ठीक, यहां पे क्या है तुम्हारा? रेजो, और साथ ही साथ हम हाइपर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन तुम समझ जाना। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर में? 3 × 2 = 5, 5 ही है ना? 3 × 2 = 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, सिंपल। देखो ना, ये 3 डिग्री है, समझ में आया? ये देखो कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। ये तुम्हारा रेजो और प्लस क्या होगा? हाइपर, और हाइपर में 2 अल्फा हाइड्रोजन,
हो रहा है क्या? देख लो जी, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? अनस्टेबलाइज। अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा? अनस्टेबलाइज, ठीक है। यानी रेजोनेंस तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा लेकिन हाइपर इसका स्टेबिलिटी को कम करेगा। ये बढ़ाएगा लेकिन ये कम करेगा, और इसमें केवल बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा? हाँ, सी ए बी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना कि 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबिलिटी में 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बन आयन। कार्बोकेट आयन का जस्ट अपोजिट। समझ में आया? एकदम नोट बना के ध्यान में रखना। जितना नोट अच्छे से याद रखोगे उतना नोट कमाओगे बाद में। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है और माइनस से माइनस फाइव इफेक्ट है। हाँ, माइनस फाइव पॉजिटिव है। एक सेकंड, CH2 है ना? हाँ, ये गलत हुआ है। सॉरी, नेगेटिव में हम लोग कर रहे थे ना, ये गलत हुआ है। चलो, कम से कम इतना ध्यान तो गया तुम्हारा। यहाँ उल्टा होगा जस्ट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव रहता तब ये ऑर्डर होता। पॉजिटिव चार्ज है ना, समझे? निगेटिव चार्ज तो क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा माइनस चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे ये निगेटिव है, सब माइनस वाला है, तो उसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। यानी जस्ट ऑर्डर को उल्टा करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए, देन उसके बाद क्या हो जाएगा? डी, देन उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, ये होगा। चलो, थैंक यू। इतना दिमाग में तो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इतना दूर तक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख रहे हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। तब
इधर हो गया, चलो जी बताओ लिख लिए। चलो करो हुआ। बोलो पाला का आंसर बताओ वहां से। ये जो सेकंड नंबर है आंसर क्या आएगा? ये क्या शो कर रहा है? प्लस एम। ये क्या शो कर रहा है? प्लस एम। ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई। ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई। तो आंसर क्या होगा? क्या डी सी बी ए। हाँ पहले अब ये तो नहीं कर दिए कि माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा है, नहीं। हाँ फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन, समझ में आया? तो फ्लोरोबेंजीन अनस्टेबलाइज करेगा उसको, ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? ये डी के बाद सी, उसके बाद ये ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? ठीक है डैश ओ एच इज ग्रेटर देन डैश ओ आर, पढ़े है ना? ठीक है ये किसका? प्लस एम वाला। ठीक चलो इसका बताओ ऑर्डर। ये क्या शो करेगा? माइनस एम एंड माइनस आई। ये क्या शो करेगा? प्लस एच। ये क्या शो करेगा? प्लस एम। प्लस एम होता है ना? ठीक है और ये क्या शो करेगा? प्लस एम।
ठीक है चलो। और प्लस एम ज्यादा कौन शो करता है, NH2 या फिर OH? NH2, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना कि प्लस एम जो होगा वो तुम्हारा डैश NH2 का ग्रेटर होता है OH से, डैश OH से, इसीलिए बोले थे ऑर्डर याद रखना। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल करेगा, ए, समझ में आया? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, ए, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, बी। प्लस एच है, अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये तो प्लस एम से अनस्टेबल कर रहा है ना, और ये प्लस एच से अनस्टेबल कर रहा है, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा, प्लस एम वाला या प्लस एच वाला, कौन करेगा, प्लस एम वाला, यानी ये अनस्टेबल तो कर रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, और इसके बाद बताओ कौन सा होगा, डी, और उसके बाद सी होगा ना, क्योंकि प्लस एम जो है वो किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा है, तो प्लस एम ज्यादा है तो अनस्टेबलाइज करेगा। चलो इसका बताओ, ये क्वेश्चन किया हुआ है, एसिडिक के स्ट्रेंथ निकालने बोले थे, याद आ रहा है, और हम एनायन इस बार दे दिए उसका डायरेक्ट बना करके, हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोले थे, बोले थे ना, इसका कितना आया था हाइब्रिडाइजेशन, sp3, इसका sp2, इसका sp2 या sp, और इसका क्या आया था, sp2, और याद है ये बेंजीन ऐसा बनाए थे, सेम वही वाला नहीं, यहाँ निगेटिव, ये वाला क्या शो करेगा, -i, तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा sp s कैरेक्टर यहाँ ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, देन आंसर इज सी। सी के बाद क्या होगा, डी, डी के बाद बी, बी के बाद क्या होगा, ए। चलो इसका बताओ, हाइपर शो करेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, ये सब का सब क्या शो करेगा, प्लस एच, ये भी, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, अनस्टेबलाइज, तो स्टेबल कौन है इसका मतलब, डी ना, क्योंकि इसको कोई अनस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, तो डी, और डी के बाद कौन आएगा, अरे हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, CH3 का ना, ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तब तो ये अनस्टेबल कर रहा है ना, अरे भाई प्लस एच अनस्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज एंड स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, प्लस एच स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज नॉट नेगेटिव चार्ज, n नेगेटिव है तो इसको डी स्टेबलाइज करेगा, और प्लस एच किसका ज्यादा होता है, CH3 का, ग्रेटर देन CD3, ग्रेटर देन CT3, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी, डी के बाद क्या होगा, सी, सी के बाद बी, और बी के बाद ए। यहां बताओ, अब यहां पे क्या शो कर रहा है सब, प्लस आई रे, यही होगा ना, और प्लस आई भी क्या करेगा, डी स्टेबलाइज, लेकिन जस्ट ऑर्डर ये बदल जाता है, प्लस एच में उल्टा रहता है, प्लस आई में उल्टा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, वही तुम्हारा डी, डी के बाद कौन हो जाएगा, ए, ए के बाद कौन होगा, बी के बाद कौन होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई का ऑर्डर उल्टा है जस्ट प्लस एच से। यहाँ बताओ NO2 क्या शो कर रहा है, माइनस एम एंड माइनस आई, CHO क्या शो कर रहा है, माइनस एम, माइनस आई भी शो करता है ना, माइनस एम और माइनस आई, ये क्या शो करेगा, प्लस एच, ये क्या शो करेगा, माइनस आई। अब इन दोनों में बताओ प्लस माइनस एम का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, NO2 का, तो विच वन इज मोर स्टेबल, ए, देन आफ्टर बी, देन आफ्टर डी, और देन सी, समझ में आया, हाँ देख लो ये है तुम्हारा।
हो गया। अब लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये हो गया। अच्छा लिखो, समझ में आया ये पूरा है? और ये जीओसी का बहुत मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट यही जीओसी का। अभी और कंबाइन होगा। अभी इतना पे आया, रेजोनेंस आया, हाइपर आया, इंडक्टिव आया, मिल गया सब तीनों। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसके बाद एरोमेटिक भी आएगा। अभी इसके बाद पढ़ेंगे एरोमेटिक, वो रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब रेजोनेंस होगा तभी एरोमेटिक कंडीशन एरोमेटिक भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर रहा है कोई यदि कंपाउंड, रेजोनेंस के कारण ही एरोमेटिक एरोमेसिटी आता है, ठीक है। और एरोमेटिक भी यदि वो है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। जस्ट लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो थोड़ा बहुत याद करने कहते हैं वो यदि करोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग फिर बन जाएगा ऑर्गेनिक। रिडेंटिक है, रिडेंटिक समझे, रीड करोगे और टिक मारोगे, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है यहां पे, सबसे ज्यादा वही हो जाएगा PH3C पे फ्री रेडिकल, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, कार्बोकेडाइन की तरह ही होगा, लेकिन कार्बोकेडाइन में हम लोग चेंज किए थे ना, एक जगह रिप्लेस किए थे ना, बाकी इसमें नहीं आता है। यानी कि PH3 फ्री रेडिकल, PH2CH फ्री रेडिकल, देन उसके बाद PH CH2 फ्री रेडिकल, देन उसके बाद तुम्हारा CH3 CCH3 और ये CH3, देन उसके बाद हो जाएगा CH2 CH फ्री रेडिकल, ये CH3, देन उसके बाद तुम्हारे साथ हो जाएगा CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और देन उसके बाद CH3 फ्री रेडिकल। ये और ये भी ध्यान में रखना कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, जस्ट लाइक कार्बोकेडाइन का केस, ठीक है। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जस्ट लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। बस थोड़ा बहुत जो चेंजेस है ऑर्डर में वो ध्यान में रखना, लिख लेना जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो ध्यान में रखेंगे। चलो बनाओ,
हो गया। बताओ क्या होगा आंसर। देखो इसको एलाइलिक कहते हैं ना, डबल सिंगल और फ्री रेडिकल रहे, कार्बन डाइन रहे या फिर नेगेटिव चार्ज रहे, ये क्या है तुम्हारा एलाइलिक। और एलाइलिक फ्री रेडिकल है, एलाइलिक कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये एलाइलिक कितना डिग्री है, ये भी है ना एलाइलिक, कितना डिग्री है 3 डिग्री है। ठीक है, ये एलाइलिक कितना डिग्री है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना, एलाइलिक जस्ट एलाइलिक को रेजोनेंस से क्या मिलता है, स्टेबिलिटी। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो यहां बता है वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबिलिटी। यानी 3 डिग्री एलाइलिक क्या होगा, मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री एलाइलिक। समझ में आया? यानी कि एक चीज ये भी नजर आता है कि 3 डिग्री एलाइलिक सी प्लस या फिर सी पे फ्री रेडिकल अंडरस्टूड इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री एलाइलिक सी प्लस या फिर फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन द 1 डिग्री एलाइलिक। ठीक है, सी प्लस या फिर सी फ्री रेडिकल, ये भी ध्यान में रखना। तो आंसर बताओ क्या होगा, बोलो। बी बी ए सी डी, समझ में आ गया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, इसी में क्वासी एरोमेटिक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कहीं चचेरा मेरा भाई है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे इसमें, इस पूरे टॉपिक में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है 12th में। ठीक है, जिसमें अपने को एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस पढ़ने हैं। और यहाँ क्या पढ़ना है, बस इतना पहचानना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, बस पहचानना है। ठीक है, दिस वन इज एरोमेटिक, दिस वन इज नॉन एरोमेटिक, दिस वन इज एंटी एरोमेटिक, दिस वन इज क्वासी एरोमेटिक। यहाँ केवल तुमको पहचानना है वो कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं है। बात समझ में आया? लिखो कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, पहला कंडीशन लिखो, पहला कंडीशन लिखो फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक, स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। क्या लिखे, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, ठीक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन होल रिंग, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, मस्ट बी प्रेजेंट इन होल रिंग, होल रिंग मस्ट बी प्रेजेंट
इन होल रिंग, पूरे रिंग में होना चाहिए, ठीक है। हकल्स रूल, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हकल्स रूल क्या है? द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए 4n प्लस 2 पाई, ठीक है। और n यहां पे क्या है तुम्हारा, वेयर n जो रहेगा वो हो सकता है तुम्हारा 0, 1, 2, 3, यानी कि कहने का मतलब यदि n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हकल्स रूल कहने का मतलब यदि वो पहला क्या पूरा साइक्लिक के बाद डिलोकलाइज पूरा हो गया, और डिलोकलाइज होने के बाद पूरे रिंग में हो गया डिलोकलाइजेशन, समझ में आया, प्लेनर भी है, और वो जो डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन हम जो देखेंगे ना वो तुम्हारा हकल्स रूल के फॉर्म में होना चाहिए, यानी n का वैल्यू 0 बैठाओगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और नहीं तो फिर 1 बैठाओगे तो 4 आएगा या 6 आएगा, 6, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बाद डायरेक्ट 6 वाला एरोमेटिक माना जाएगा, 4 5 एरोमेटिक नहीं माना जाएगा, अंडरस्टूड। 2 बैठाओगे तो कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 बैठाओगे तो कितना आएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है तब वो एरोमेटिक होगा, समझ में आया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो और ध्यान में रखना, ये स्टार दे करके लिख लो कि हकल्स रूल ओनली वैलिड फॉर, ठीक है, हकल्स रूल ओनली वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी एक साइकिल वाला मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ध्यान में रखना, एक रिंग के लिए केवल होगा, ठीक। पांचवा पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, यानी एक से ज्यादा यदि साइक्लिक है, इन केस ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड हकल्स रूल ओनली वैलिड, ठीक है, ओनली वैलिड अलोंग पेरीफेरी, समझ रहे हो, सर्कमफेरेंस, समझ में आ रहा, अलोंग पेरीफेरी यानी केवल किनारे किनारे वाले को देखना है, समझ में आया, हकल्स रूल फिर केवल किनारे वाले को देखेंगे। अब जैसे देखो जरा सा, यहाँ पे ये तुम्हारा एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन है ना बेंजीन। अब देखो क्या ये कंपाउंड फॉर एरोमेटिक स्ट्रक्चर मस्ट बी साइक्लिक है। दूसरा देखो क्या बोलता है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोलो सही है। तीसरा देखो क्या बोलता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन होल रिंग, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। फोर्थ क्या बोलता है, हकल्स रूल, भाई हकल्स रूल तो यहां n का वैल्यू बैठाओगे 1, हकल्स रूल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि कितना इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतना सफिशिएंट, ठीक है, समझ में आया। फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ 4 कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल वैलिड है ना, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, बोलो बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। चलो अब इसके बारे में आगे हम लोग कल देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए थे ना, तो उसमें याद करो हम एरोमेटिक कंपाउंड भी बताए थे, याद है, तो देख लो वहां पे एग्जांपल क्या क्या दिए थे, ठीक है, और देख लो वहां से जरा सा, अब कल इसके बारे में जो है ना थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है।
और फिर लास्ट बार कह रहे हैं उधर जो बैठे हुए हैं वो भी और इधर जो है वो भी, कल माइनस आई, जितना भी ऑर्डर है सब कल याद होना चाहिए। तुम 50-50 बार लिख के याद करो, चाहे 100-100 बार, चाहे तो रट के याद करो। बिना ऑर्डर के इस क्लास में उधर इधर उधर वाले इधर बैठेंगे तो वही बैठेंगे यहाँ जिनको याद है। तो यदि तुम याद करके आए हो तो उधर देख लेना इधर से कितना सीट खाली हो रहा है, फिर तुम आके इधर बैठ सकते हो सीट खाली रहा तो। समझ में आया? और नहीं तो सब उधर बैठेगा जो याद करके नहीं आया है, और सब उधर 1.5 घंटा वो याद ही करेगा, क्लास कल उनका नहीं चलेगा। समझ में आया ना? चलो ठीक है। Thank you.